वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप सम्मल और हम लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे नाबार्ड के एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। और आज के टॉपिक का नाम है फार्म पावर। ओके, सो फार्म पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली आपका जो फार्म है वहाँ पे आप किस तरह से क्या क्या उपाय है, क्या क्या मेथड्स है वहाँ पे, जहाँ पे आप बेसिकली पावर प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, सो बहुत सारे तरीके हैं। नॉर्मल तो आपको पता ही है, जैसे जितने भी यू नो मशीनरीज वगैरह हैं यहाँ पे डीजल पावर डीजल इंजन से पावर्ड होते हैं। ओके, सो उन्हीं सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ फटाफट। ओके, एंड सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक सेशन पहुँच पाए। और अगर आपने अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशंस मिल जाए। ओके, वेरी गुड इवनिंग एग्री गुरु, आप तो ऑलरेडी गुरु हो, ठीक है। सो वेलकम टू द सेशन। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्म पावर। आई होप सो आप लोग जितने भी सेशंस हो रहे हैं यहाँ पे अच्छे से सारे के सारे स्टडी कर रहे हो। जितने भी आपके एमसीक्यू सेशंस होने वाले हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया था, कल से शुरू हो गया है आपका 10 क्वेश्चन सीरीज। ओके, जहाँ पे आपको रोज 7:30 बजे 10 एमसीक्यूज मिलेंगे बेस्ड ऑन योर एग्जाम, ठीक है। उसमें करंट अफेयर्स का भी होगा, उसमें स्टैटिक पार्ट भी होगा, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू क्या बोलते हैं वीडियो देखने के लिए। ओके, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट सेशन एट 7:30 PM एवरी डे। ओके, रोज का ये सेशन है यहाँ पे आप ही के फायदे के लिए है, 10 MCQ सेशन। और जैसे ही हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलता है, मैं उस नंबर ऑफ MCQs भी यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा। ओके, सो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के साथ, जिसकी जो है नाबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 का फार्म पावर। अब ये जो फार्म पावर है, अगर आप ब्रॉडली देखोगे ना, तो ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है। फार्म पावर एंड मशीनरी जो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक पार्ट है। इसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है क्या, कौन कौन से मेजर सोर्सेस है फार्म पावर के। ओके, इंजन्स कितने टाइप के होते हैं, क्या किस तरह से आपके जो इंजन्स होते हैं यहाँ पे फंक्शन करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन डिजाइन and improvement of farming equipment and machinery, ठीक है। तो जितने भी farming equipment हैं और machinery हैं, उनका construction, उसका design, कैसे उनको operate किया जाता है, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं agricultural engineering में। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या क्या है, जैसे पॉन्ड्स के डिज़ाइन हो गए, वाटरशेड डेवलपमेंट हो गया, कैनल्स के डिज़ाइनिंग हो गए, ये सब चीज़ों को भी देखा जाता है किस कौन से सेक्टर में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। ओके, नाउ कमिंग टू फार्म पावर, व्हाट इज फार्म पावर, फार्म पावर क्या है, इट इज एन एसेंशियल इनपुट in agriculture for timely field operations. Okay, so this is farm power. Basically टाइमली फील्ड ऑपरेशन हम किस लिए चाहिए, ताकि हम जो टोटल प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोडक्टिविटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सके, राइट। नाउ फार्म पावर में फार्म पावर क्यों जरूरी है, फार्म पावर
is necessary in order to operate the equipments. ठीक है, जितने भी equipments हैं उनको operate करने के लिए, operate the equipments. अभी equipment हैं क्या? Thresher, harvester, tractor, pump. Okay, so ये सब जो चीज़ें हैं, ओके, जितने भी थ्रेशर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पंप एट्सेट्रा, ओके, तो ये सारे के सारे ये जो मशीनरीज हैं इनको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सर मैं रीडिंग करने में ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, इतने दिनों में एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ? सर क्या ये जो रीडिंग वाले सब्जेक्ट हैं इतने दिनों में क्रैक कर सकता हूँ? आप अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हो, ओके, तो आप एटलीस्ट अगर नाबार्ड के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, नाबार्ड का जो एग्ज़ाम है उसका फेज़ वन तो क्लियर कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है. और अगर आप कोई दूसरे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो फिर तो मैं आपको आपको इसका जो रिप्लाई है आपके रेस्पेक्टिव फैकल्टी ही दे सकते हैं, ठीक है. चलिए, सो पंप एट्सेट्रा ये हो गया यहाँ पे फार्म पावर के बारे में. नाउ जो आपके सिलेबस में है दैट इज सोर्सेस ऑफ फार्म पावर, सोर्सेस ऑफ फार्म पावर. पहला ह्यूमन पावर, दूसरा एनिमल पावर, तीसरा मैकेनिकल पावर, चौथा इलेक्ट्रिकल पावर, पांचवा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है. ये हो गया यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फार्म पावर. ओके, नाबार्ड के बारे में बात कर रहे हो, देखो फेज वन क्लियर करना डिपेंड करता है कि आप कितना करंट अफेयर्स से अपडेटेड हो, ठीक है. स्टैटिक पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ओके, मैं आज ये चीज़ पेड बैच में भी बता रहा था कि स्टैटिक पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है. आप अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ोगे तब भी आप इजीली स्टैटिक पार्ट आंसर कर सकते हो. दिक्कत आपको होने वाला है करंट में. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम देके, देखिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, नाबार्ड के एनुअल रिपोर्ट, सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस हो गया, देन यू हैव द फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट. तो ये सब चीज़ें ना आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है. कैमरा में थोड़ा सा राइट, ओके, तो आपको जो है इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना है. तो बेटर आपके लिए यही रहेगा, देखो अगर मैं बैंकेबल प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो आप डायरेक्टली नाबार्ड के वेबसाइट से बैंकेबल प्रोजेक्ट्स पढ़ सकते हो, ओके, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ से पढ़नी है. एनुअल रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, लाइफ स्टॉक सेंसस भी मिल जाएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी मिल जाएगा. आपको बस करंट अफेयर के लिए कोई अच्छा सा सोर्स यहाँ पे देखना है, ओके, तो वो सोर्सेस आप देख सकते हो. अगर बुक्स के बारे में आप पूछोगे देन मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई एक बुक जिसमें आपको सारे के सारे चीज़ें कंपाइल होके मिल जाए ऐसा अवेलेबल नहीं है. होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर आपको बता देता, ओके. हेलो यशमिन, वेलकम टू द सेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट फार्म पावर, कंटिन्यू करते हैं. सोर्सेस ऑफ फार्म पावर ये हो गया, तो पहले देखते हैं हम लोग ह्यूमन पावर के बारे में. ह्यूमन पावर के बारे में अच्छा पहली बात, ह्यूमन पावर हमें कौन कौन से एक्टिविटीज में चाहिए? प्लॉविंग, जैसे ऑब्वियसली प्लॉविंग के लिए एनिमल पावर चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ह्यूमन का रहना भी जरूरी है, तो एक ह्यूमन लेबर हमें यहाँ पे जरूरी है. वेडिंग, ड्रॉइंग वाटर, जहाँ पे आपके पास पंप वगैरह नहीं है तो वहाँ पे वाटर ड्रॉ करने के लिए वेल वगैरह से भी ह्यूमन पावर जो है काम में आता है, ओके.
देन विनोविंग, थ्रेसिंग एटसेट्रा. ओके, इट इज द सोर्स ऑफ पावर यूज्ड टू ऑपरेट. क्या चीज ऑपरेट करने के लिए ये पावर को यूज किया जाता है? स्मॉल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. ठीक है, जैसे सिकल वगैरह हो गया, सवल वगैरह हो गया, ये सब. ओके, स्मॉल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. ठीक है, दिस इज नोन एज ह्यूमन पावर. मतलब इन सब चीज़ों के लिए ह्यूमन पावर को यूज़ किया जाता है. अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव जो आपका बनेगा, एन एवरेज मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर ऑफ अबाउट 0.1 HP. ठीक है, 0.1 HP का पावर जो है यहाँ पे एक एवरेज मैन डेवलप कर सकता है इजीली. ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ओके, हाँ, फार्मिंग हो गया, बीज बोने के लिए, वेरी गुड, सोइंग के लिए, फसल काटने के लिए, ओके, ये सारे चीज़ के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हो. भगवान सिंह जी प्रणाम, पधारिए, वेलकम टू द क्लास. ओके, सो ह्यूमन पावर के बाद और हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? ओके, ह्यूमन पावर के बाद और कौन कौन से पावर चाहिए? ह्यूमन पावर के बाद दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, दैट इज़ एनिमल पावर. ओके, ना एनिमल पावर भी यहाँ पे उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ह्यूमन पावर है. क्यों? देखिए, जो छोटे छोटे फील्ड्स है ना, मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया में जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. अब ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, सब लोग यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. क्या क्या चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं? बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, बड़े बड़े मशीनरीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे टूल्स वगैरह को यूज़ करने के लिए एनिमल एंड ह्यूमन पावर का यूज़ किया जाता है. ओके, तो एनिमल, अच्छा एक और चीज़, ह्यूमन पावर के एडवांटेजेस क्या हो सकता है? ये छोटे छोटे चीज़ें तो मैंने यहाँ आप लोग लिख सकते हो खुद भी. ह्यूमन पावर के एडवांटेजेस क्या हो सकता है? देखो, पहला, हर तरह का काम कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल है, एक्सेप्ट पीक रिक्वायरमेंट. जब पीक रिक्वायरमेंट होता है तब जो है यहाँ पे बहुत कम हो जाता है. क्या चीज़? ह्यूमन लेबर, राइट. हेलो शिवा, वेलकम टू द सेशन, नो प्रॉब्लम. गुड आफ्टरनून हनी वॉरन, वेलकम टू द सेशन. ओके, सो एडवांटेजेस क्या है कि ये तो एक तो अवेलेबल हो जाते हैं, प्लस हर तरह का काम, ठीक है, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ काम जो है आप एक ह्यूमन लेबर से करा सकते हो. ओके, लिमिटेशंस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बहुत ही कम एफिशिएंसी होती है. अगर आप कंपेयर करोगे उतने पैसे में अगर आप मशीनरी लाते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे मशीन का जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा रहेगा. आप किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में ह्यूमन बींग्स को काम नहीं करा सकते हो. ओके, और बाकी पावर से थोड़ा कॉस्टली भी है. ओके, सेम चीज़ें एनिमल पावर के केस में भी लागू होते हैं. आप एनिमल्स को हर तरह के वेदर में काम नहीं करा सकते हो. ओके, इनको, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा होता है. क्लियर? चलिए थोड़ा सा एनिमल पावर के बारे में देख लेते हैं. एन एवरेज पेयर ऑफ बुलॉक्स प्रोड्यूसेस 1 HP ऑफ पावर. ठीक है, कितना पावर? 1 HP. नेक्स्ट, द एवरेज फोर्स ऑफ अ ड्राफ्ट एनिमल, ओके, जो अच्छा ड्राफ्ट एनिमल किसे कहते हैं? जिनको आप पावर के लिए यूज करते हो अलग अलग काम के लिए. ठीक है,
ड्राफ्ट एनिमल द एवरेज फोर्स अ ड्राफ्ट एनिमल कैन एग्जर्ट इज नियरली 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट. ठीक है, बॉडी वेट का 1/10 पावर जो है एक एनिमल यहाँ पे एग्जर्ट कर सकता है या फिर प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, अब आते हैं मैकेनिकल पावर पे. मैकेनिकल पावर में जितने भी तरह के आपके ऑयल इंजन्स जैसे कि आपके ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, पावर टिलर्स हो गए, देखे हो गए आपने, मैंने आपको पिक्चर दिखाया भी था नाबार्ड सेशन में, नहीं एफसीआई सेशन में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हाथ से पकड़ के प्लविंग वगैरह कर रहे हैं. ठीक है ना, दोज आर द पावर टिलर्स. ठीक है, ये सब चीज़ों में मैकेनिकल पावर की ज़रूरत होती है. तो मैकेनिकल पावर में होता क्या है, बेसिकली अ लिक्विड फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है, जो लिक्विड फ्यूल रहता है वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ओके, जस्ट अ मिनट. चलो, सो अ लिक्विड फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ओके, नाउ ये जो मैकेनिकल पावर यहां पे रहता है, ओके, जो मैकेनिकल पावर्स वगैरह हो गया, ओके, एंड जो लिक्विड फ्यूल से आता है, नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ इंजन हियर. ठीक है, यहां पे आपको दो टाइप के इंजन मिलेंगे. एक को कहा जाता है स्पार्क इंजन. ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन जो बेसिकली पेट्रोल इंजन होता है या फिर केरोसिन इंजन भी होता है. दूसरा एक होता है इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है बेसिकली डीजल इंजन. ठीक है, थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे. देर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन्स नंबर वन स्पार्क इग्निशन जो कि पेट्रोल या फिर केरोसिन, सेकंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स जो कि है डीजल. ठीक, ओके, नेक्स्ट. अब ये इंजिन्स में हमें देखना है कि देखो, जो आप जैसे ट्रैक्टर के बारे में आप बात करते हो, ठीक है ना, ट्रैक्टर क्या है यहाँ पे, ट्रैक्टर इज अ डीजल इंजन. ओके, डीजल इंजन यहाँ पे रहता है, ट्रैक्टर इंजन. ओके, नेक्स्ट थर्मल एफिशिएंसी देख लेते हैं दोनों टाइप के इंजन का. थर्मल एफिशिएंसी, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, किसका एफिशिएंसी कम होगा, इतना तो आइडिया आपको होगा ही. एक बार बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा एफिशिएंसी कितना है. ओके, कितना परसेंट में है वो मैं आपको बताऊंगा. आप पहले बताओ मुझे कि पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा या डीजल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, कौन से इंजन का एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा होगा. बताओ, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे. कौन से इंजन का एफिशिएंसी ज्यादा होगा, पेट्रोल और बस एक जवाब, और किसी को नहीं पता है कौन से इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा या फिर डीजल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा.
किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होने वाला है। डीजल, चलिए सो द पेट्रोल, ओके चलिए। सो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंजन का जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। पेट्रोल का है 25 से लेके 32%, 25 to 32% इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन। वहीं पे अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं देन द एफिशिएंसी इज 32 to 38%, 32 से लेके 38% की एफिशिएंसी रहती है, क्षमता रहती है किसकी, डीजल इंजन की, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो डीजल इंजन है वो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, क्लियर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, दो टाइप के पावर बचे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल पावर। ओके सो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे क्या करता है, किस तरह से बेसिकली जनरेट होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मोस्टली यूज्ड फॉर पंप्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, क्लियर। ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। तो उसके केस में जो पॉल्यूशन होता है वो हमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर के केस में नहीं देखने को मिलता है। ओके इसके एग्जांपल्स हो गए कोल्ड स्टोरेज, अरे स्पेलिंग गलत हो गया, दूसरा वाला डेयरी हो गया, डायरी हो गया, कहाँ चला गया, राइट। सो डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज हो गया, इसके अलावा डेयरी इंडस्ट्री हो गया, देन जितने भी इरिगेशन पंप्स हो गए, यहाँ पे इरिगेशन पंप्स हो गए, तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर से ही ऑपरेट होते हैं। नाउ द लास्ट वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे क्या है, जितना भी आप एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, पेट्रोल में कुछ कमी होगी तभी तो डीजल आया होगा। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, एकदम पूछ सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स, इसीलिए लाइव क्लास में आने का एक फ़ायदा रहता है, आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। बाद में फिर एक बार क्लास ख़त्म हो जाता है, मैं देखता हूँ कभी कभी कि जैसे लोगों के कमेंट्स वगैरह, तो तब मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास में उसको डाउट को क्लियर करने के लिए। लेकिन लाइव क्लास में जो इंटरेक्शन होता है ना वो फिर रिकॉर्डेड में सेम चीज़ नहीं रह जाता है। रिकॉर्डेड में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और किसी का पुराना डाउट है, ठीक है, कमेंट्स में मैंने देखा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक्स सन, विंड एंड बायोमास, ओके नेक्स्ट। बायोमास लिखा था आपके इसमें, ठीक है, तो बायोमास में क्या रहता है, बायोमास जो एनर्जी है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, बायोगैस पता ही होगा आपको, इथेनॉल, बायोडीजल। अब बायोडीजल वगैरह हमारे इंडिया में तो इतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया में बायोगैस जो है सबको पता है, जो बायोमास एनर्जी है, ओके, जो कंपोस्ट पिट्स हैं वहाँ से बायोगैस जो है प्रोड्यूस होता है। कितना टफ एग्जाम होता है सर, ये सिर्फ एजी वाले दे सकते हैं ना, नहीं अविलास, कोई भी दे सकता है इसको, ठीक है। आप चाहे आई मीन एग्रीकल्चर वाले हों तो आपके लिए टेक्निकल है, आप अगर जनरल वाले हैं तो आपके लिए भी पोस्ट है, और इनफैक्ट जनरल वालों के लिए पोस्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं टेक्निकल वालों से, ठीक है, क्योंकि जनरल में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है।
एनीवे आपको चाहिए एक सीट और आपको तैयारी करनी है उसके लिए, चाहे कितने भी सीट हो, डजंट मैटर। एफसीआई में 20 सीट थे शायद, ठीक है, 20 सीट में से 8 लोग जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए, शॉर्टलिस्ट हुए थे, ओके। तो उनका डेडिकेशन आप लोग देख ही पा रहे होगे कि कितना डेडिकेशन है। सो आपको भी सेम डेडिकेशन के साथ करना है, डजंट मैटर द नंबर ऑफ सीट्स, क्लियर। ऑब्वियस ही बात है, इंटरव्यू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, 20 सीट है तो फिर इंटू 4 इंटरव्यूज भी हैं, ओके। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिवा आप कल नहीं आए थे क्या? कल 7:30 PM पे, रोज 7:30 PM पे MCQ का सेशन हो रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है। उसमें क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एकदम वैसे ही क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो काइंडली 7:30 PM वाले सेशन में जुड़ जाइए, ओके। और आपको सारे के सारे मतलब क्वेश्चन का ना आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से टॉपिक में से पूछा जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देने के लिए, ओके। तो काइंडली 7:30 PM वाला सेशन अटेंड कीजिए, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 3:30 PM वाला जो सेशन है ये थ्योरेटिकल के लिए है, ठीक है, और जो 7:30 PM वाला सेशन है वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन का, ओके, क्लियर। कोई बात नहीं, आप दे सकते हो नाबार्ड के एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान रखना है नाबार्ड के एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आपके मेरिट लिस्ट हैं अब की बार, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, ARD, ESI, GA, इन 3 सब्जेक्ट में फेज़ 1 में आपको क्लियर करना है, बाकी सब क्वालिफाइंग है, ओके। देन किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटिंग, वाटर पंपिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सब काम के लिए यूज़ किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये था यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। ना कौन सा काम के लिए यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी, बेसिकली ड्राइंग, लाइटिंग, कुकिंग, ठीक है, विंड एनर्जी, वाटर पंपिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर पंपिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास, कुकिंग वगैरह के लिए, लाइटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, टाइडल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसी के साथ आपके जो फार्म पावर्स वगैरह हैं वो टॉपिक, ये टॉपिक होता है कंप्लीट, ठीक है। आई होप सो आपको सारा चीज़ इसमें समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, ओके। नाबार्ड में पॉलिसी ज़्यादा पूछा जाता है ना सर, एजी पॉलिसीज, ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नॉन एग्रीकल्चर पूछ लिया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सारे पॉलिसीज पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन हैं तो मान के चलिए 50-50 का रेशियो यहाँ पर रहने वाला है, या फिर 60-40 का रेशियो रहने वाला है करंट और स्टैटिक के बीच में, ठीक है। तो करंट की जो तैयारी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, ओके। करंट में बिल्कुल भी कुछ नहीं छूटना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट का पोर्शन, ओके। करंट में आपको क्या करना है, आप जो है जैसे मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हो, उसके बाद आप मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट्स वगैरह पढ़ सकते हो, ओके। देन जो आपके एनुअल रिपोर्ट्स हो गए हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ये सब, ओके। नाउ ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको, ये आपके लिए नया नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपको कहें मतलब नॉर्मली एक जगह पे इकट्ठा मिल भी जाएगा और आप लोग पढ़ भी लोगे, ये मुझे पता है, ओके। आप लोग कौन सा चीज़ कवर नहीं कर पाओगे पता है, स्टैटिक। मान लीजिए आपके करंट में 25 से 25 नंबर आ रहे हैं, लेकिन 15 में से आपको कुछ भी नहीं पता है स्टैटिक के बारे में, तो क्या करोगे बताओ, ज़रूरी तो सारे के सारे हैं, राइट। नेक्स्ट,
रजिस्टर अभिलाष रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, एग्ज़ाम जो है यहाँ पे 17 और 18 को है, तो ध्यान रखिएगा ओके। या RTPS का जो है यहाँ पे 17 और 18 को एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर आपने अब की बार रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर अगली बार के लिए वेट कीजिए ओके। और इसी के साथ साथ आपका जो FCI देख रहे हो, FCI में भी अच्छे खासे पोस्ट आते हैं, और FCI में भी एग्रीकल्चर अब हो गया है कंपलसरी, तो एग्रीकल्चर जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए FCI जैसे जॉब्स के लिए, नाबार्ड जैसे जॉब्स के लिए, कल को पता नहीं कोई और जॉब में आ जाए कंपलसरी होके, ठीक है, तो काम में आते रहेगा। क्लियर। क्वांट आता है एग्जाम में। Kevin, you don't know Hindi. Okay, even ask your doubts in English. Okay, and whenever you are attending the class, if for example you couldn't understand a particular thing, then kindly ask that particular thing that I couldn't understand this thing in Hindi. See, all the notes and whatever I'm teaching, everything is in English. Just the thing that most of you are comfortable with Hindi. That's why I'm explaining in Hindi. But if you are not comfortable in Hindi, then kindly tell me. I'll also explain in English. No worries. Okay. सर माई स्ट्रीम इज़ एग्रीकल्चर। कोई बात नहीं अभिलाष, आपका इस साल तो ख़त्म हो गया है, अगली बार जो है आप अप्लाई कर सकते हो नाबार्ड जब आएगा ओके। एंड आपका स्ट्रीम एग्रीकल्चर है ना, आपके लिए बढ़िया सा मौका तो आने वाला है IBPS SO। जितने लोग एग्रीकल्चर से हो, आपके लिए इतना बढ़िया सा मौका आने वाला है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। आप उसके लिए तैयारी अभी से चालू कर दो, ठीक है, बेहतरीन है। बहुत जल्दी नाबार्ड ख़त्म होते ही हम लोग जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई बैच वगैरह प्लान करेंगे ओके। सो आपको पता भी चलते रहेगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपको हम लोग बताते रहेंगे कि आने वाले IBPS SO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ तक नाबार्ड की बात है, हाँ क्वांट आता है, लेकिन क्वांट क्वालिफाइंग है। जैसे आप IBPS SO का एग्जाम देने जाते हो, क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग क्वालिफाइंग है, वैसे ही नाबार्ड में भी क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग जो है क्वालिफाइंग है ओके। क्लियर। चलिए सो मिलेंगे शाम को 7:30 बजे ओके। क्लियर। जो भी आपका स्ट्रीम है डजेंट मैटर ओके, जो भी आपका स्ट्रीम है इट डजेंट मैटर, ठीक है, आप अगर एलिजिबल हो तो आप पढ़ सकते हो। करंट के लिए आप मैगजीन्स वगैरह प्रेफर कर सकते हो ओके। आपके जितने भी पॉपुलर मैगजीन्स वगैरह हैं या फिर करंट अफेयर्स के क्लासेस जो चलते हैं अड्डा 24/7 पे, आप उनसे जुड़ सकते हो। GA के क्लासेस भी चलते हैं यहाँ पे, आप GA के क्लासेस में भी मतलब ज्वाइन कर सकते हो ओके। सो आई बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ते हो ओके। आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ओके, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे नाबार्ड के लिए आप थोड़ा सा ना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा 1 ईयर ओके। 1 ईयर की जगह अगर आप कोविड के बाद के जितने भी यहाँ पे हैं अगर वो आप पढ़ लोगे तो दैट शुड बी बेटर। कोविड के बाद जितने भी स्कीम्स आए हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, व्हाट आई एम टॉकिंग इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, अगर पढ़ लोगे तो आप ही लोगों के लिए यहाँ पे फायदेमंद होने वाला है ओके। सो मिलेंगे हम लोग शाम को 7:30 बजे फिर से। 10 MCQ सीरीज वाला का आज day 2 है, राइट, सो सेकेंड डे है ऑफ द 10 क्वेश्चन या फिर 10 MCQ सीरीज का ओके। तो मिलते हैं शाम को 7:30 PM यहीं अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे सेफ एंड गुड बाय।